बहुजन समाज पार्टी ने किया लोकसभा के 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों का नाम शामिल। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लगभग 12 बजे बहुजन समाज पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली औपचारिक लिस्ट लॉन्च की, यानी कि जारी किया, उस जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों का नाम शामिल है। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होकर ये चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हम आपको लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट में सहारनपुर से श्री माजिद अली, कैराना से श्री पाल सिंह, मुजफ्फरनगर से श्री दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से श्री विजेंद्र सिंह, नगीना से श्री सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से श्री जिसान खां, संभल से श्री शीतल अली, अमरोहा से श्री मुजाहिद हुसैन, मेरठ से श्री देवदूत त्यागी, बागपत से श्री प्रवीण बंकल, गौतम बुद्ध नगर से श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से श्री गिरीश चंद्र जाटव, और आंचल से श्री अरविंद अली, और पीलीभीत से श्री अनीस अहमद खौफ उर्फ फुल बाबू। साथ ही साथ सहारनपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को टिकट दिया है। हालांकि पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के मेंबरशिप में चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख के जानकारी दी कि वह उत्तर प्रदेश में तथा हर जगह वह किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ देखकर एक उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक क्रांति लाने का काम करेंगी, लेकिन बाद में मायावती ने इस पर पानी फेर दिया और आज उन्होंने पहली अपनी औपचारिक सूची का ऐलान किया। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।